नमस्कार दोस्तों, आज एपिसोड 3 सीधी बात विजय गुप्ता के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का एपिसोड का टॉपिक है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूथ ऑफ जयगांव। दोस्तों, आज एक्चुअली ये जो हम लोग एपिसोड आज होस्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट्स करें। निश्चित रूप से जो हम लोग बातें कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूथ ऑफ जयगांव, तो मेरे साथ आज एक युवा है जयगांव के, तो उनको मैं कहूँगा कि खुद ही आप इंट्रोडक्शन दें अपना हमारे दर्शकों को, और उसके बाद में आप क्या करते हैं जयगांव में, क्या आप किस तरह से यूथ को देखा जाता है, यूथ से क्या एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं, उस विषय में आप थोड़ा बताइएगा। ओके श्योर जी, सबसे पहला फैपलो नमस्कार सबको। मेरा नाम है मिग्मा मुक्तान और मैं एक रैपर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, राइटर हूँ, और जो भी बोले EPR बोल के एक जो हम लोग का वो है, MCs, पोएट और रैपर, तीनों मिलके हम एक कर रहा हूँ यहाँ पे। और साइड बाय साइड मेरा ग्रीन रेवोल्यूशन का अभी मैं फ़िलहाल में चेयरमैन भी हुआ हूँ। सो लाइक मेरा पेन नेम है मीमो, MIMO, उसका मतलब हो गया मिग्मा से MI और मुक्तान से MO। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक हम लोग का सर को लिए, क्योंकि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू थिंग, एंड यूथ के लिए आप क्या बोले सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मिग्मा जी, आप एक म्यूजिशियन हैं, एक रैपर हैं, तो काफ़ी बार देखा जाता है कि जो लोग होते हैं, जो दर्शक होते हैं, एक अलग तरह से देखते हैं। हालांकि युवा में ये एक ट्रेंड है, एक अलग ही, मैं ज़्यादा म्यूज़िक के बारे में ज्ञान तो नहीं रखता, फिर भी कहा जाए तो एक तरह से एडिक्शन है, लेकिन पॉजिटिव एडिक्शन मैं कहता हूँ। काफ़ी युवा में देखा जाता है कि एडिक्शन में चले जाते हैं, लेकिन नेगेटिव में, नशाखोरी में, अल्कोहलिक हो जाते हैं या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं कहता हूँ हमेशा सभी मेरे जितने भी यूथ हैं कि अगर आपको नशा करना है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव में जाएं। स्पोर्ट्स का एडिक्शन हो, किताबें पढ़ने का एडिक्शन हो, या म्यूज़िक का एडिक्शन हो, ये एक पॉजिटिव एडिक्शन है, इससे आपका अच्छा होता है। लेकिन चले वहीं पे हम लोग वापस आते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि लोग गलत तरीके से देखते हैं एक रैपर को, एक एडिक्ट, खासकर जो नेगेटिव वाला एडिक्ट होता है उस तरह से देखते हैं, ये पॉजिटिव एडिक्ट नहीं देखते हैं, उस विषय में आप थोड़ा कहें। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। आपने जो बोला वो 100% आप श्योर आपने राइट बोला। लाइक इन आवर कम्युनिटी वेन एवर वी सी रैपर्स, आवर लाइक कम्युनिटी सी रैपर्स, सब बोलते हैं कि क्या आपका बेटा तो पूरा बिगड़ गया है, अभी क्या कुछ सब्सटेंस ले रहा होगा, नहीं तो कुछ फूक रहा होगा, गांजा वांजा फूक रहा होगा और केमिकल अब्यूज़ कर रहा होगा, इसीलिए तो रैप करके चल रहा है। उसका देखिए ना, वो यहाँ पे वो क्या बांधा हुआ है, कैप देखे उसका, उसका रंग ढंग देखे, वो सब बोलता है। लाइक अभी हम ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइक ये अभी कुछ नहीं है, अभी जो एक आप रैप को भी संगीत ही मानिए, क्योंकि ये संगीत ही है, वही बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि रैप भी संगीत है। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होता है, इवन रैपर शुड बी नॉलेजेबल। लाइक आपका नॉलेज नहीं है तो रैप क्या चीज़ का बात में करोगे, क्योंकि रैप के लिए भी नॉलेज ही चाहिए। पर आपका जो बोले सर ने, जो बोला है सर ने, वो ठीक ही बोला है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने अब सुबह सुना था सर का, वो बहुत अच्छा लगा कि सर सूट पहन के, अब जब भी आपका सर का सूट पहन के चलते हो तो आदमी लोग सर को बोलते हैं क्या शादी पे जा रहे हो, नो ऐसा तो नहीं है ना, सेम लाइक सिमिलर आप रिलेट कर दीजिए, जैसे वैसे ही करके वो हो रहा था। पर ऐसा नहीं है, मैं इतना अभी हम लोग का जयगांव का, जयगांव नहीं पूरा डूवर्स जहाँ पे भी है, जितना आप लोगों का थोड़ा पंचायत है उसमें हम लोग का कोई वो दुखमन नहीं है, पर इतना हम लोग का रैपर्स का जितना व्यू प्रस्पेक्टिव होता है आप लोग से, वो खाली हटा दीजिए, उतना मेरा विनती है आपसे, क्योंकि रैपिंग एक टैलेंट ही है। पर अभी जो सब रैपर वो सब आया है, सब वो क्या पता नहीं, सब बकते रहता है, वो रैपर नहीं, रैपर है वो लोग को भी चांस दे दीजिए, क्योंकि चांस दोगे तभी तो बढ़ेगा, एंड ये पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी तो मैं मानता हूँ,
जैसे एक सिंपल सा एक एक स्ट्रीट किड्स वाला जो मैंने किया था, मैंने लाइव किया था, मेरा अपना में फ्री स्टाइल किया था, जो स्ट्रीट किड्स है यहाँ पे, उसको आप लोगों ने अच्छा से प्रोटेक्टेड किया और सबसे उसको वो सबको अच्छा से रख लिया, तो वो लोग ही यहाँ वो स्ट्रीट किड अब यहाँ पे लॉयर नहीं तो डॉक्टर बनेगा, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ही यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा बनेगा। ये ऑफ द टॉपिक हो गया, फिर भी आपका बोलना चाहता इसे बोल दिया जी सर। और दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, सुबह ही इनके साथ वार्तालाप हो रहा था, बातें हो रही थी, चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आज का जो इवनिंग में हम लोग 9 बजे सीधी बात में हम लोग आएंगे। हालांकि आज का जो टॉपिक है यूथ से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यूथ से यही एक्सपेक्ट लोग करते हैं कि हमेशा अच्छे कार्य में आगे आएँ और हमेशा इस तरह का जो कार्य होता है, जो म्यूज़िक होता है, वो हमेशा एक सुकून देने वाला होता है। तो लोगों को जुड़ना चाहिए हमेशा। लोग पता नहीं क्यों, मैं ये देखा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी यूथ खेलकूद के साथ जुड़ता है तो लोग कहने लगते हैं, खासकर गार्जियन जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि लड़का बिगड़ रहा है, खेल रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, अपना जीवन खराब कर लेगा। और सेम वही चीज़ देखने को मिलता है जब कोई यूथ होता है गिटार बजाना स्टार्ट करता है या गाना गाना स्टार्ट करता है या कुछ, तो वो लोग को गलत तरीके से देखा जाता है कि ये बिगड़ रहा है, ये लड़का बिगड़ रहा है। तो एक मेंटेलिटी जो है लोगों के बीच, जो खिलाड़ियों को लेकर, जो म्यूजिशियन को लेकर, ये बदलना ज़रूरत है। ये एक कैरियर है, कैरियर के तरह से अगर आप देखेंगे तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और जैसा कि मैं सुबह उदाहरण दे रहा था कि मैं ज़्यादातर कहीं पे भी निकलता हूँ तो जाहिर सी बात है ठंडा का दिन है और मुझे कंफर्टेबल भी लगता है ब्लेजर्स लगाने में। हालांकि स्कूल जब टीचिंग करता था तो करीबन डेली लगाता था, तो आज के दिन में भले वो टाई नहीं है, करीबन 50-60 टाई घर पे पड़ा होगा, लेकिन आज मैं वो यूज़ नहीं करता। लेकिन क्योंकि प्रोफेशन में मैं कंफर्टेबल हूँ ब्लेजर लगाने में, अभी टाई लगा के कहीं जाने आने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप लगाना चाहिए। अगर आप रैपर हो, आपको इस गेटअप में आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि ब्लेजर लगा के ये रैपिंग करे तो कैसा लगेगा। एक हर एक चीज़ का एक अपना ही एक गेटअप होता है, उसको ट्रेंड कहते हैं या पैशन कीजिए या फैशन कहिए, उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम लोग भी प्रोफेशन है, आज हम अलग तरह का वेयर लगा लें, एक मैचो टाइप का, एक स्लीवलेस टी शर्ट या कुछ उस तरह से, तो थोड़ा ज़्यादा सूट ना करें। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमेशा जो सूट लगाता है, हमेशा जो ब्लेजर लगाता है, ज़रूरी नहीं है कि शादी में ही जा रहा हो। काफ़ी सारे मेरे जो परिचित मेरे जयगांव वासी हैं, काफ़ी बार इस बात के लिए कहे होंगे। और मैं क्वेश्चन देखना चाहूँगा, गेट रैपर ऑफ जे टाउन ब्रदर मिग्मा, आप जे टाउन के कुछ गाना में अब हम लोग से लाइक अब्रीविएशन है, जैसे हो गया जय गांव हो गया ना। अच्छा, जय गांव को हम लोग जे टाउन, अच्छा जे टाउन बोलता है, अब्रीविएशन है जे टाउन, इसीलिए हम लोग ही लाइक ये जैसे शॉर्ट आउट टू हिपोहॉलिक थग्स 2015 में ये लोग था, जैसे सेट थग हो गया, HD शॉर्ट आउट टू HD, ये लोग सब मिलके, अब हम भी था तब, ये लोग मिलके जे टाउन बोला था, जयगांव को जे टाउन निकलता सबका, जैसे कैलमपुंग में हो गया, ये लोग का हो गया KPG बोल के, खरसांग में के टाउन, दार्जिलिंग का डी टाउन होता था, इसे ही हम लोग किया हो, तब ऐसे ही हम लोग करके जे टाउन बोलाया था, इसीलिए वहाँ पे ग्रेट रैपर ऑफ जे टाउन बोलाया। तो थैंक यू सो मच जो भी बोला, ग्रेट रैपर तो नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत सीखना है और कर रहा हूँ, आपका वही सपोर्ट, वही थैंक यू सो मच। और दोस्तों काफ़ी देर और रहेंगे, आज ज़्यादा सवाल नहीं आ रहा है क्योंकि आज ऐसा टॉपिक शायद यूथ का रिलेटेड आज जो हम लोग सीधी बात कर रहे हैं, तो शायद जयगांव वासियों को ज़्यादा यूथ ज़्यादा जुड़े नहीं हैं और जो सीनियर्स जो भी व्यूअर्स है शायद एज से ज़्यादा हो इसीलिए। और रैप म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ग्रेट एलिमेंट ऑफ पोएट्री, आई लव इट। हिमान सोनार जी लिख रहे हैं कि
हिमांशु सोनार जी लिख रहे हैं कि रैप म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, आई लव इट। तो म्यूजिक सभी को पसंद है और मैं भी पसंद करता हूँ। मेरा इनफैक्ट मेरा जो यंगर ब्रदर है विशाल, वो भी काफ़ी बढ़िया रैपिंग कर लेता है। अभी कोलकाता में है, इंजीनियरिंग कर रहा है। तो एक उन्होंने भी रैपिंग का एक गाना बनाया था, काफ़ी वायरल भी हुआ था, कभी सुनाऊंगा। और जाने से पहले उनसे एक रैपिंग सॉन्ग जो कहा जाता है, पता नहीं टेक्निकली क्या कहा जाता है, तो उनसे मैं सुनना चाहूँगा। लेकिन अभी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप इधर आ जाइए थोड़ा। दोस्तों, आज का जो सीधी बात विजय गुप्ता के साथ एपिसोड 3 का जो टॉपिक है, क्या एक्सपेक्टेशंस जयगांव वासी यूथ से करते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रॉम यूथ ऑफ जयगांव। तो निश्चित रूप से जयगांव वासी एक्सपेक्ट करते हैं कि यूथ आगे आए। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं मैं वही बात बोल रहा हूं और आशा करता हूं कि जयगांव वासियों का भी वही एक्सपेक्टेशंस होगा। यही एक्सपेक्टेशन सभी करते हैं कि यूथ आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, एक अच्छा करियर बनाए, अपने जगह, अपने समाज, अपने जो मोहल्ला है, जो अपने लोग हैं, उसके लिए कुछ अच्छा कार्य करे, देश का नाम रोशन करे। ये सारा चीज़ डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और जरिया सही होना चाहिए दोस्तों, जरिया सही होना चाहिए, गलत तरीके में ना जाए, ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और जयगांव मिरर्स के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा हमारे जितने यूथ हैं जयगांव के और आसपास के भी, कि हमारे साथ मुहिम में जुड़िए। जयगांव मिरर्स ऐसा नहीं है कि केवल न्यूज़ चैनल है, काफ़ी लोग ये गलत धारणा ले लेते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशंस है। शायद आज का टॉपिक शायद एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूथ के जगह एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जयगांव मिरर्स भी लिखता तो कहीं गलत नहीं होता। तो खैर, यहाँ पे मैं बोल दूं कि जयगांव मिरर्स इज नॉट ओनली अ न्यूज चैनल, इट्स अ चैनल दैट इनकरेजेस ईच एंड एवरीथिंग, नेगेटिविटी को छोड़ के। हम लोग चाहते हैं कि यूथ को बढ़ावा मिले, यूथ अगर कोई कार्य कर रहा हो उसे भी दिखाया जाए, कहीं अगर कुछ समाज में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी उजागर किया जाए, कहीं गलत कार्य हो रहा है उसको भी फ्लैश आउट किया जाए। और न्यूज़ तो चलता रहेगा, कुछ भी कंटेंट अगर हो जो पब्लिक के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे तो डेफिनेटली न्यूज़ कहलाता है। लेकिन मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जयगांव मिरर्स इज जस्ट नॉट अ न्यूज चैनल, इट्स मोर देन दैट। जयगांव मिरर्स इज अ चैनल दैट इनकरेजेस, दैट प्रोमोट्स यूथ। और हमारे जो सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कार्य करना है उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ के आते हैं। और आने वाले समय में मैं ये भी बता दूँ, हमारे साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के यहाँ पे चेयरमैन आज मौजूद हैं, युवा है, इनके पिताजी के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन है सुधीर मुक्तान जी के साथ, इनफैक्ट दोस्ताना काफ़ी पुराना है। हालांकि दाजू करके मैं बुलाता हूँ, सर करके मैं ज़्यादा बुलाता हूँ, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से वो भी रह चुके हैं, तो हमेशा पहले इंट्रैक्शन सर बोल के ही हुआ करता था। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग आने वाले समय में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। आज मैं जस्ट छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, जो एक्सपेक्टेशंस मैं यूथ से रखता हूँ, कि आने वाले समय में यूथ आगे आए। हम लोग काफ़ी सारे जो समस्याएं जयगांव में हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन ही उसको ठीक करे, ज़रूरी नहीं है कि संस्थाएं आगे आएँ, ज़रूरी ये भी है कि यूथ आगे आए। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ कार्य शुरू करेंगे, कुछ स्पेशल एपिसोड्स उसके ऊपर होगा, कुछ प्रमोशनल हम लोग कार्य करेंगे सोसाइटी के लिए, युवा वर्ग के लिए, और ख़ासकर जयगांव के लिए तो करेंगे, क्योंकि जयगांव मिरर्स बिना जयगांव का कार्य किए तो जयगांव मिरर्स नहीं रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं और कोई कमेंट आ रहा है। मेरे यूथ से एक्सपेक्टेशंस है कि यूथ हमेशा आगे आए और देश का नाम रोशन करे, क्योंकि यूथ को देखकर ही सबको सीख मिलता है। तो डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूँ,
भले मैं एक टीचर रह चुका हूँ, लेकिन आज अगर मुझे म्यूजिक सीखना होगा तो इनके पास, यूथ के पास आना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, दुनिया ऐसे ही चलता है। जरूरी नहीं एज इज नॉट अ फैक्टर, टैलेंट इज अ फैक्टर। आप कितना होनहार हो, समय के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है आपके जो फील्ड में। लेकिन सीखने के लिए तो बच्चे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरी छोटी सी जो बच्ची है उससे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, कैसे करके, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए। यहाँ मैं बोलना शुरू करूंगा तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी दोस्तों। और कोई कमेंट कर रहा है शायद, सपोर्ट मीमो रैपर, तो निश्चित रूप से आज का जो एपिसोड है लामा जी, आज का जो एपिसोड है ये यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ को सपोर्ट करने के लिए है। और मीमो हमारे साथ हैं क्योंकि वो भी एक युवा वर्ग के हिस्सा हैं, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे। आज मुझे जो देखने को मिला, और ख़ासकर एक और बात करना चाहूँगा कि जो घटना मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, कि कुछ दिन पहले करीबन फर्स्ट जनवरी को मैंने देखा था इवनिंग के टाइम में, जब मैं रिपोर्टिंग करके निकल रहा था, काफ़ी सारा प्रोग्राम्स था, फाउंडेशन डे था, TNC क्या, और भी काफ़ी सारा प्रोग्राम्स को कवर करना था। तो मैंने देखा, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि रोड पे काफ़ी सारा जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको गिराया गया था। तो रात को मैं तो जस्ट ऐसे ही, एक अलग ही प्रेशर था, 4-5 जगह कवर करना था, तो और उसके बीच में ऐसा अगर जगहों को गंदा और बदनाम करने वाला कार्य हो तो सहा नहीं गया। मैं उसी समय लाइव पोस्ट किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुबह सुबह ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जैसे का तैसा था। फिर जयगांव मिरर्स की टीम और दीपेन विक, एक और हमारे जयगांव में सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है दीपेन छेत्री जी, हम दोनों साथ में लाइव आके उसको कवर किए थे। फिर भी हम लोग आशा कर रहे थे कि अगला सुबह ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी 2 दिन बीत गया था और उसके बाद युवा वर्ग अल्टीमेटली आगे आया। तो यही मैं कह रहा था कि युवा वर्ग, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूथ, सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगी जब युवा वर्ग आगे बढ़ेगा। और आज जैसे कि उदाहरण पेश किया उनका टीम, और उनका टीम पूरा टीम ही युवा वर्ग है। आज उनका टीम पूरी तरह से लगन के साथ ड्यूटी किया है, सारा जगहों का जो कचरा था वो सफा किया है, और उसके बाद जो ओवर टाइम कह लें या फ्री आवर्स कह लें, लंच टाइम कह लें, उस समय में जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए अपने तरीके से शॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन रेवोल्यूशन टीम को, और हम आपके जो युवा वर्ग है, जो टीम है। और मैं एक बार अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे जो जयगांव के युवा वर्ग है, मीमो और उनकी टीम को। और ये कार्य युवा से ही संभव है, ये मैं कहना चाहूंगा, युवा वर्ग से ही संभव है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो युवा वर्ग नहीं कर सकता। और कोई अपडेट ऑन कोविड केसेस इन जयगांव, सर दोरजी सर बोल रहे हैं। दोस्तों कोविड केसेस का क्या कहें, मतलब ऐसा हो रखा है कि ये एक मजाक के तौर पे ही कह रहा हूँ, ऐसा हो रखा है कि कोविड को भी शायद पता ना हो कि वो है क्या, ऐसा जब मार्केट में देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर जिस तरह से आजकल रैलियाँ हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं कोई भी पार्टी का हो, और काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट काफ़ी जगह हो रहा है, केवल जयगांव में ही नहीं, आप दिल्ली बॉर्डर पर भी चले जाएँ वहाँ पर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हालाँकि वो मुद्दा अलग है, लेकिन काफी जगहों पे ये चीज देखा जा रहा है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि मतलब केवल जगह ही नहीं, काफी एरिया में कि लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है, ऐसा लग रहा है। COVID-19 का जो कोविड है वो मतलब खुद कंफ्यूज है, ऐसा लग रहा है। हालांकि मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूं, वैक्सीन जल्द आ रही है ऐसा न्यूज में आ रहा है, ऐसा सूचनाएं मिल रही है, ट्रायल लगभग प्रक्रिया पे है और डेली अपडेट मिल रहा है, जल्द मार्केट में आ जाएगा और डरने वाली बात नहीं है। लेकिन डरने वाली बात अभी ये हो गई है दोस्तों कि कोविड जाते आते बर्ड फ्लू का प्रकोप इंडिया में बढ़ने लगा है काफ़ी जगह पे। और कोई नोरबू लामा जी कमेंट कर रहे हैं, यूथ हमेशा आगे आगे इंडिया के नाम रोशन करें ना, ऊपर भी कमेंट आ रहा है।
जी काफ़ी सारा कमेंट आया है, हु इज आइडल मीमो ब्रदर, तो उनको ही मैं माइक देना चाहूँगा, आप ही कहिए जी। लाइक माई रैप आइडल इज लाइक व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज टू लिसन टू पाक बिगी, बट राइट नाउ इंडियन हिप हॉप का सीन बोले तो डिवाइन 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 है, सीधी मौत डिवाइन, एंड अगर नेपाली में जाऊँ तो नेपाली में छ तपाईको एमसी फ्लो यम बुद्ध, अब धेरै छ भन्नुलाई त धेरै छ, अब लास्ट अब तपाईँहरू सबैले भन्नुहुँदैछ एउटा ऱ्याप गर्नुहोस् ऱ्याप गर्नुहोस् भनेर, डिजे प्ले द इन्स्ट्रुमेन्टल साइफर, अन्त तपाईँहरूलाई भन्दैछु। ओके आई विल लाइक टु कल वान मोर ब्रदर इज हियर विथ मी, प्लिज कम, नो प्रब्लम, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, आशा करते हैं कि आप लोग क्षमा कर देंगे, क्योंकि लाइट का जो डायरेक्शन है उसके वजह से थोड़ा वीडियो शायद हीजी दिख रहा हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रदर आप भी आगे आ जाइए, जो हमारे दर्शक हैं ऑल आर वेटिंग टू लिसन वन रैप फ्रॉम बोथ ऑफ यू, सो आई हैंड ओवर द माइक टू मीमो। ओके see like Seth Thug is here, okay Seth Thug is here, so what I'm going to say is like a freestyle, jo freestyle hota hai kitna bahut rapper dekha hai yahan pe, please okay Seth Thug please introduce yourself first. Yo it's your boy Seth Thug straight out of J Town, my real name is Uday Arora and peace out support J Town hip hop, that's yeah. It Dead Head Music, shout out to Dead Head Music, AV James, लेकुजी ब्रदर या एन्ड एभ्रीवन। ओके अभी अब जो हुन्छ यहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ यहाँ फ्री स्टाइल भनेर, तर सबैले रिटर्न वर्स गर्दैछ, जैसे लाइक इन इङ्ग्लिस सब फ्री स्टाइल बोल के रिटर्न वर्स गरेर, सो लाइक मेरा ब्रदर यहाँ पे वर्ड्स पास गरेगा और सर भी है यहाँ पे, सर भी मेरे को वर्ड्स दे देगा, वर्ड्स जो वर्ड्स देगा उसमें राइमिंग करा के गीत करवा दूंगा। ओके लेट्स मेक अ बीट, कैन यू प्ले लाइक इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी, yes and brother out here he's super talented, he just doesn't rap, he does beatbox as well, and he's like one of the pioneer jisne scene shuru kiya bolta hai na wo sab wahi hai, he's one of the guy who started the scene, SD I still remember you bro, aur baki ka let's go for that. वर्ड्स सर आप भी वर्ड्स दे दीजिए एक दो, फ्री स्टाइल जो होता है ऑफ द टॉप ऑन द स्पॉट जो होगा मैं ऑन द स्पॉट बनाऊंगा जो है, यूथ यो म्यूजिक डजन्ट हैव लैंग्वेज, फेरि आयो मिमो फर्केर सर्कोबाट आयो वर्ड युथ, युथ ल सुन हेर मेरो कुरा परिचय गर, के छैन ड्युट बनी आउँदैछ यहाँ सबै, डेनराइटको ट्युब नथान केटा हो म्युजिकमा फस, त्यही नसा हो त्यही गर्दैछु, गुप्ता सर नमस्ते, के छ तपाईँको सुट बुट राम्रो छ, सबै छ परिचय, क्लाउडमा आइपुग्यो मिमो भाइ झस्केर, वर्ड्स बन केटा हो मुख थुन्यौ त बुथ, ओके आम फ्री स्टाइलिङ अन द बुक स्ट्रेट आर बुक आर निड अ बुक टु रिड, I've got a knowledge, the dictionary on the topic, kei kura chaina yaha huncha profit, profit niskera, Jai Gau Mirror, yako sab banda thulo news channel bani mo bardai chu, Jai Gau Mirror lai koi pani chaina beat garne, kinaki Jai Gau Mirror aafai ma sabai lai yaha drishya didai cha, kasko drishya chaina drishya pani niskindai cha, cloud, I'm in a cloud, cloud ma basera mero soch cha cloud 9 ko, cloud 9 hoina 9 bhayera team niskinchu sabai yaha doubt bha, doubt so bunny also, okay I'm a pop like Eminem, I'm a great idol to Eminem, or okay chaina kura siddhai shout out to the big ups to my Eminem, and my men around standing on the top, this is the straight hip hop straight out of the top off of the dome, this is a Jai Gau ko J Park, suna fir bardai chu dead music to the scene, you don't even know, you don't even class to the whatever I'm spitting, tei puna gardai chu fir aundaicha dead music bhanyo tara new sense dede aundaicha yaha chok huncha kinaki freestyle ma bahut huncha, I just don't live with the vice, I just creep with the vice when I wear 7501 jeans Levi's, fir aundaicha yaha Levi's liera Levi's Levi's, I live twice, okay Nike to the hop, you know what I do,
I just don't do with the shit. Written shit IO. I was so no, this is the thing. This is a this rapper can only rap in English and Nepali. Aba suna, suna, आखिर में कौन बनना शिकारी हिटलर का वेश में चिंकी निकला गोर खाली खोखला पूरा शरीर ऊपर से तेरे सरकारी प्राइवेट सेक्टर बने लुआ कार सबको चाहिए सिर्फ सरकार नशे वाली प्रेम दीवानी सब मवाली कर सवारी रिक्शे की दिखावा उसके फरहारी बलहारी बने करके नशे की दून अंडरग्राउंड का अंडरडॉग का पूरा जुनून बीट पे बीट साथ ही हीट रिपीट ग्रिप द सीट नहीं तो फ्लिप द सीन भारी भरकम ये डिजीज का नो वैक्सीन कलयुग में राम आए शब्दों का श्रावण का सोच ले कि सारा इंसान मनुष हा हूं मैं मोटा कोई बंदी नहीं पटा ना किसी का बस का ना किसी का बस का दिस वाज अ रिटन वर्स ओके शॉट आउट टू एवरीवन शॉट आउट टू इनफ शॉट आउट टू माय डैड सुधीर मोक्तान आपलाई धेरै माया छ मलाई सपोर्ट गर्दिएकोमा मेरो फ्यामिलीमा अन्त फेरि भन्छु डैड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरी वे अन्त सर सरलाई पनि निकै धन्यवाद छ जय गो मिरोसलाई मेरो साथीलाई यता पनि थ्याङ्क यू सो मच पिस आउट तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग इन्जॉय किए होंगे आई डेफिनेटली इन्जॉयड अ लॉट अ लवली रैपिंग बाय टू ब्रदर्स युवा हैं जयगांव के यूथ हैं और आशा करते हैं कि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जयगांव मिरर्स अभी भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि दोस्तों कि हम लोग हमारे जयगांव यूथ को किसी लेवल पे प्रमोट कर सके लेकिन जितना छोटा भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो दोस्तों कोशिश छोटा नहीं होना चाहिए और जयगांव मिरर्स कभी छोटा कोशिश नहीं करता जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करते रहेंगे और बस यही आशा है कि हमारे जो जयगांव वासी हैं और जो हमारे जो व्यूअर्स है चाहे कहीं के भी हो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भूटान के भी हैं और नेपाल के भी हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं ग्लोबली तो हमारे जयगांव मिरर्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखिए आने वाले समय में जयगांव मिरर्स और आप लोगों के लिए कुछ और कार्य करना चाहती है और ख़ासकर जो युवा वर्ग है दोस्तों युवा वर्ग को हम लोग हमेशा एक ही मैसेज देना चाहेंगे आप आगे बढ़िए जयगांव मिरर्स हमेशा आपके साथ है और भी एक कोई मैसेज आ रहा है जयगांव हैज़ टू सो मेनी टैलेंट्स बट नो वन केयर्स पूरा मैं मैसेज लेना चाहूँगा जी हाँ दिव्या मन्ना जयगांव फिटनेस जिम जयगांव हैज सो मेनी टैलेंट बट नो वन केयर्स आवर टैलेंट इन जयगांव पीपल रिस्पेक्ट ऑल यूथ हाँ तो मन्ना जी मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई किसी को सपोर्ट करे ना करे किसी का केयर करे ना करे जयगांव मिरर्स करती है करती थी और करती रहेगी आने वाले समय में भी और लास्ट एलिमेंट तो सुनिए क्या कहना चाहते हैं जी और एक एलिमेंट ऑफ हिप हॉप होता है हिप हॉप आता है आपका खाली रैप से नहीं होता है हिप हॉप होता है एमसीइंग बी बॉइंग डीजेइंग होता है बीट बॉक्सिंग होता है ग्रफिटी आर्टिस्ट होता है इसमें से छोटा सा आपका ज़्यादा भी नहीं छोटा सा या प्रोमो दिखा दूंगा बीट बॉक्सिंग क्योंकि रैपर खाली नहीं है जयगांव में ये देखिए बीट बॉक्सिंग से शेयर ऑन द माइक प्लीज ओके Can you freestyle? Intro coming soon. Thank you, sir. और दोस्तों इतना अच्छा लग रहा था
पता नहीं चल रहा था कि मतलब यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे थे या मतलब अंदर से कहाँ से निकल रहा था, ये समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी था लाजवाब था। और भी कोई कुछ कमेंट कर रहा है, वेरी नाइस, थैंक्स जैगो मिरर्स फॉर सपोर्टिंग एंड ऑलवेज हेल्पिंग ब्रदर एंड यूथ, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोथ, नॉट ओनली ब्रदर्स, हमारे जो भी यूथ हैं सबके लिए जैगो मिरर्स हमेशा आगे आती रहेगी। और दुआ आशीर्वाद आप सभी का साथ हो, तो आशा करते हैं आने वाले समय में हम लोग कई सारे और प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन, और भी सारे प्लेटफॉर्म हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है। और आशा यही है दोस्तों कि जो हमारे यूथ हैं, यूथ अपना भूमिका समझे, क्योंकि यूथ का बहुत बड़ा भूमिका है देश की तरक्की में, सोसाइटी की तरक्की में, ये समझने की ज़रूरत है। और जो जिस कार्य में अच्छा है उसी कार्य में आगे बढ़े, तो और सोने में सुहागा कहा जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, लास्ट है उनसे बात कहने के लिए, कहने से पहले एक फिर से मैं अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि जयगांव मिरर्स के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, खासकर जो यूथ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा हर एक जगह जयगांव मिरर्स की टीम जो है वहीं वो उस फील्ड वहाँ ग्राउंड तक पहुँचे। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, यूथ की भूमिका के लिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं किसी जगह ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है दोस्तों कि जहाँ पे जयगांव मिरर्स नहीं पहुँच पाती, समय लग जाता है, कहीं और भी कहीं पाबंदियाँ होती है, कहीं कहीं हम लोग नहीं पहुँच पाते, तो इस विषय में यूथ का एक भूमिका होती है कि यूथ उस समय क्या सही है वो सही कार्य करे। जैसे कि कहीं पर, जैसे कि कुछ दिन पहले देखा गया था आग लग था विवेकानंद पल्ली में, तो काफ़ी सारा युवा है फ़ोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, खुद भी आग बुझाने में लग गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जगह मेरे समय पे पहुंच के आपको लाइव कवरेज दे दे, कभी कभी आप लोग भी जो युवा से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसे समय पे युवा को अपना कार्य करना चाहिए। हालांकि काफ़ी लोग उस समय भी कमेंट कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि कैमरा लेके आगे क्यों जा रहा है। दोस्तों वो मेरा कार्य है, मैं, मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स होते हैं, दो तीन जन हम लोग जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अकेला मैं निपटा लूँ, और बाकी जो हमारे जो मेम्बर्स होते हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि आप थोड़ा हेल्प कर लीजिए या आप संभाल लीजिए, मैं हेल्प करने चला जाता हूँ। और काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट रहता है हेलमेट क्यों नहीं खोलते, एक बार फिर मैं बोल दूं, उस दिन जो घटना घटी थी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस दिन एक कुछ मेरे सर से टकराया था, हो सकता था कि काफ़ी घातक हो सकता था, तो एडवांटेज होता है दोस्तों, हमेशा जो लाइव कवरेज होता है खासकर, तो उसमें एडवांटेज ज़रूर होता है इस तरह के इंसिडेंट्स कवर करने में। और हमेशा ड्राइविंग करते समय तो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान तो चल ही रहा है, हेलमेट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक बार फिर से दोस्तों यूथ से अपील है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कोई अगर कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं कि जयगांव मिरर्स के माध्यम से हम लोग एक जरिया बने, तो व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ, नोट इट डाउन, 9734070044, जी हाँ, 9734070044, इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हो सके तो हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको एडिट करके पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो आप भी एक सिटीजन रिपोर्टर या एक कहते हैं ना यूथ रिपोर्टर के तरह भी आप कार्य कर सकते हैं, युवा पीढ़ी आगे आए। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो अपील कर रहा हूं वो हमारे जो युवा पीढ़ी के पास पहुंच रही है। और कोई कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस यूथ यंग टैलेंट एंड विश देम सक्सेस इन लाइफ, श्री कालिका फर्नीचर्स, तो थैंक यू सर, आपने हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा शब्द यहाँ पे कमेंट में लिखा है, उसके लिए
तहे दिल से शुक्रिया अदा। और आने वाले समय में भी इसी तरह से आज जो इंट्रैक्शन है यूथ को लेकर था, तो मैंने सोचा यूथ को शामिल कर लेते हैं, और भी आगे चल के काफ़ी सारा इंट्रैक्शन होगा आने वाले दिन में। मैं आज ही आप सभी को बता दूं कि आने वाले दिन में हम लोग एक मुद्दा पे, टॉपिक पे सीधी बात करने वाले हैं, पेट्रोल क्राइसिस को लेके, आज ही मैं बता दे रहा हूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यूथ का जो हमारा यहाँ डायलॉग चल रहा है, ये कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके बीच में भी अगर कोई हमारे जो जयगांववासी है जो व्यू कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि आने वाले दिन में हम लोग जयगांव में पेट्रोल डीजल का जो क्राइसिस है उसके ऊपर सीधी बात करने वाले हैं। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड उसके ऊपर रहेगा, आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं कंक्लूड हमारे जो गेस्ट यूथ हैं उन्हीं के द्वारा कंक्लूड करने को कहूँगा कि आप लोग लास्ट मैसेज जयगांव यूथ के लिए, जयगांव सोसाइटी के लिए, और जयगांव वासियों के लिए, और तमाम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फर्स्टली मिस्टर गुप्ता, आपके थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे आगे हम लोग को कुछ नहीं मिला था, एंड लाइक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अभी मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद सबैलाई जहिले अहिले जसले पनि अहिलेसम्म गरिदिनु भएको थियो सपोर्ट, अनि मलाई तपाईहरुले मेरो म्युजिकहरु बेसी चिनेको छैन, डेडेड म्युजिक छ, सराउट टु देम। अन्त मलाई सपोर्ट गर्ने भाइहरु जे उमिज उनीहरूलाई पनि सराउटै छ, जे उमिज सबैजनालाई। अनि यहाँ मेरो ड्याड छ, सबसे ठुलो हात भएको मेरो ड्याड भयो, ग्रिन रेभोल्युसनमा, अब ग्रिन रेभोल्युसन सुरु गर्नु, एनजिओ गर्नुभएको होइन, सबै गर्नुभएको ड्याड, थ्याङ्क यू सो मच। अन्त मेन कुरा चाहिँ मुद्दामा आउनु भन्दाखेरि चाहिँ, प्लिज बी कन्सर्न युथ, आइ एम सेइङ यु दिस, इभन आम अ युथ गाई एन्ड यु अल आर द बी अडिक्टेड, बट बी अडिक्टेड इन अ गुड वे, लाइक सर सेड, बी अडिक्टेड इन म्युजिक, बी अडिक्टेड इन स्पोर्ट्स, बी अडिक्टेड इन समथिङ विच विल मेक यु or which will make your family proud, you know, like everyone's there, everyone is like bragging this about this and this, this won't happen anything. If you're taking something substance, you'll feel great at this time, but you'll regret later. So like, if you're talented, don't waste your talent regarding that, this and this. Youth, please, you are the future, so you can do everything. सो अभी थोड़ा बोलने में हम एक बार हुआ था सर ऐसे कि हम सिखाने वाला, क्योंकि थोड़ा हम लोग 2015 से हम लोग करते आए, हम लोग सिखाने वाला था, लाइक सिखा रहा था, ऐसा नहीं, पर ऐसा भाई, पर वो लोग को गलत लग गया कि ये लोग ज़्यादा साना बन रहा है वो सब, सो वो प्रॉब्लम, हाँ वो भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि किसको बोल रहा हो अभी वो नहीं, हम बोला था पर वो लोग वो गलत वे से ले लिया, पर ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हम सीख गया, हम टीचर है, तुम लोग स्टूडेंट हो, वो नहीं बोल रहा हूँ, सब सीख रहा है, हम भी सीख रहा हो लाइफ से, अभी भी सर बोला, सर भी सीख रहा है, सर का बेटी से सर भी सीख रहा है, बोल रहा है, सो एवरी वन इज लर्निंग। सो आई वॉन्ट टू जस्ट कंक्लूड बाई सेइंग दिस, लाइफ इज़ एन ब्यूटिफुल एडवेंचर दैट नेवर एंड्स, and even education is a beautiful adventure that never ends, and lastly when music hits you, you won't feel any pain. Thank you, fabulous sabelai, dhanyawad, dhanyawad sabelai, joy go mirus lai jan dherai dherai hardik dhanyawad. So friends, for today we conclude our episode 3, expectations from youth, and we hope you all enjoyed watching today's episode, and next episode we all will be hosting on petrol and diesel crisis in Jaigaon. So hope you all will be staying with us for the next time. For now, it's a goodbye. Thanks for watching Jaigaon Matters. Thank you so much.